पेड़ अच्छे लगते, पान अच्छे लगते, क्या हुआ? बांध दिया। माँ तेरे को कौन बांध सकता है, तू इतनी विकराल, इतनी मैं बात तो शब्द नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति किसने बांध दिया तुझे? कहीं से लेके आई थी जो तू बंद गई? वचन ले लिया। हाँ तो तूने वचन दिए क्यों? मांग लिया। किसने मांगे? भरत ने। गुरु था? हाँ। क्या वचन ले लिए? माँ मेरे पास रह जा, इतनी शक्तिशाली है तो माँ भगवती तू किसी के पास भी रह जाएगी? नहीं। फिर क्यों रही थी? भगत सिंह को नहीं छोड़ूंगी, फिर इसी पे आऊंगी। बहुत घर में कष्ट क्यों दे रखे हैं? शरीर तोड़ रखा है, हारी बीमारी, काम धंधा सब कुछ बंद है, लड़ाई झगड़े क्यों? चोट फेट भी मार दी थी, चोट भी लगी थी ना? क्यों फिर क्यों किया माँ? माँ कोई करती है ऐसा कभी? नहीं। फिर क्यों कर दिया? क्योंकि किया सब कुछ तेरा हुआ है, मैं जानती हूँ। क्यों किया? माँ की मर्जी। ये क्या मतलब हुआ? बच्चों को दुख पहुंचाना कौन सा माँ की मर्जी? बच्चों से कोई गलती हुई थी क्या? भरोसा नहीं है भगत जी को, मुझ पर विश्वास नहीं करती। कुछ भगत से भगत नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं करती। माँ जिसके शरीर में तू आ रही है वही तेरे पर विश्वास नहीं करती, फिर क्यों तू माँ अपने पर विश्वास नहीं आता? भगत जी को विश्वास दिलाओ। मैं क्या विश्वास दिलाऊं? तेरे होते हुए विश्वास नहीं आया? जगत जननी जब विश्वास नहीं दिला सकी, मैं तो मिट्टी हूँ तेरे आगे। पहले ये बताओ माँ का भोग देना था, माई की बजाय किसको दिया माँ का भोग? पहली भूल तो ये। दूसरी गलती ये कि जिन दिनों में माँ भगवती की पूजा सेवा पाठ होते हैं उन दिनों ये माँ से टली कि अगर मैं करूंगी तो माँ आ जाएगी। बेटा जी काम जब बनेंगे, जब शक्ति को खुलवा लोगे ढंग से, जब वो आकर के सच्चे वचन करके जाएगी, और वो प्रोसीजर बहुत आगे होता है। कहाँ था गुरु? कौन था? पक्का गुरु नहीं बना। पक्का बच्चा क्या होता है? गुरु गुरु होता है। कौन था? रास्ता नहीं दिखा बनाया था गुरु? आगे रास्ता दिखाया। वो ने रास्ता भी नहीं दिखाया ना कुछ बताया। कहाँ बनाया था मुझे बताया बेटा? श्रद्धा एक मिनट में कैसे गायब हो जाती है? एक मिनट में आ जाती है, एक मिनट में गायब हो जाती है। और कौन से दरबार गए थे मेरे दरबार आने से पहले? बहुत बहुत जगह गई माँ। तो वहाँ जो श्रद्धा नहीं बनी माँ, इनको वचन तो माँ भी तुम्हारे यही थे कि श्रद्धा से आए हैं। माँ इनको तसल्ली करनी थी, इतनी बड़ी देवी, इतनी बड़ी शक्ति आ सकती है? ये इनके मन में बहम था जी। वो मैं बहम मैंने दूर कराने के लिए कई जगह है जहाँ पैसे लेके भी करते हैं, मैंने सब उन्हें तसल्ली कराई कि देवी है, हमारी कुल की देवी है। लेकिन वो फिर बेटा जी पहली बात तो ये सवाल सबके ही मन में आता है कि इतनी बड़ी शक्ति शरीर में आएगी तो शरीर फट जाएगा। वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो अपना कोई एक छोटा सा पूंज हमें दे देती है और हमसे वो भी नहीं संभलता। टूटते फूटते इधर उधर गिरते चोट खाते हैं, ठीक है ना? वो तो बैठे बैठे काम कर दे, इतनी बड़ी शक्ति है। तो माँ हमें कोई एक ऊर्जा पूंज जो होता है वो हमें देती है, जो बाल होता है ना उसके नोक के दसवें हिस्से से भी छोटा जो होता है वो ऊर्जा पुंज होता है जो हमें नचा के डाल देता है। वो तो इतनी बड़ी पुंज होते हैं, ठीक है ना? और शक्तियों को ललकारना छोड़ दे, पहले तो तू ललकारती है। माँ मेरे काम नहीं बनते इसलिए मैं परेशान हो जाती। बेटा काम तो जब बनेंगे, जब माँ भगवती की कोई सच्ची शक्ति तेरे साथ आएगी, चलेगी, समझेगी, चलाएगी, भटकती रहेगी तो कोई काम नहीं बनने, कोई रास्ता ही नहीं दिखा। कोई भी गुरु देखो, पहले का समय होता था एक गुरु बनाया जाता था, पूरी उम्र चलाया जाता था। यहाँ तो लोग पूछा लेने के चक्कर में गुरु बनाते हैं, पहली बात तो ये। फिर अगर उनके हिसाब से ना चलो तो फिर माँ गलत है, बाप गलत है, भाई गलत है, बहन गलत है। तो पहले विश्वास कर, अगर तेरा दरबार से काम हो तो गुरु बनाना, वरना बेफालतू में धक्के खाने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठ जा, ठीक है ना? काम धंधे नहीं चल रहे और एक इसके शरीर टूट रहा है। नाम बोल बेटा अपना। नरसिंह, नरसिंह चौहान। आपके पिताजी का नाम? श्री भजन लाल।